और हैरी के अंदर आने का टाइम हो गया है। ये देखिए ये फिश है, ये काला रोहू है, इसमें मैंने अजवाइन और नमक लगा दिया, और ये माशेर है, इसमें मैंने अजवाइन और नमक लगा दिया। देखिए यहाँ पर शलजम को मैंने छील कर, ये देखिए मैंने शिमला मिर्च डिफरेंट शेप्स में काट दी है, ये देखिए लहसुन को मैंने चॉप कर लिया। अब इसको मैं प्लास्टिक बैग में डालकर इसको भी मैं फ्रीज कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसबा और आप देख रहे हैं मिसबा लाइफस्टाइल। सुबह के 8 बज चुके हैं और हैरी के अंदर आने का टाइम हो गया है। ये कह रहा है कि दरवाज़ा खोलें, मैंने अंदर आना है। अब मैं दरवाज़ा खोल के इसको केज में करूँगी, फिर मैं इसको अंदर करूँगी। ये हैरी का केज है, आओ हैरी केज में आओ। ये देखें अब केज में आ जाएगा। हैरी केज में आओ, केज में आओ, केज में मैं मारूंगी, केज में आओ। हैरी गुस्सा मत करना, केज में आओ, आ जाओ। अच्छा आ जाओ, देख केज में चला गया। ये देखिए ये जब गुस्सा करते हैं ना, मुझे इस पे और गुस्सा आता है। अब मैं इसको करूंगी अंदर। ये देखिए हैरी देख रहा है, इसको मैं इस वक्त बंद कर देती हूँ। और अभी हमारा दूध वाला भी आने वाला है और मेड भी आने वाली है। आज मेरा डे बहुत बिजी है और मेरे किचन का काम आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब महीने का एंड होता है तब मैं अपना पूरा किचन साफ करती हूँ। और कौन कौन सी ग्रोसरी आपकी ख़त्म हो चुकी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरत की चाहिए, उनकी एक लिस्ट बनती है। फिर मैं अपने सारे जो दालें मसाले वगैरह उनके डब्बे साफ़ करती हूँ, फ्रिज साफ़ करती हूँ। यानी आई टोटली फुल बिजी डे है। जब मैं ये सब कुछ क्लीन कर लूँगी मैं आपसे शेयर करूँगी। एक तो और मेरा काम तो 8 बजे शुरू हो जाता है, मैं तो उठती हूँ 5 बजे हूँ, और ये भी तकरीबन 5 बजे उठती है ना रुखसाना? हाँ जी 5 बजे। ये रुखसाना ना छुट्टी भी कर लेती है बगैर बताए, और फिर हंस के कहती है बाजी काम पड़ गया था मुझे, है रुखसाना? हाँ इसीलिए हंस के कहती हूँ। जब मैं डांटती तो बुरा लगता होगा? नहीं नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा हाँ जी। छुट्टी तो मेरे साथ बहुत अच्छी है। छुट्टी तो नहीं करनी? नहीं नहीं वो तो मजबूरी हो, फिर मैं छुट्टी काट लेती हूँ, वैसे मैं छुट्टी नहीं करती आपको बता दूंगे। अच्छा नहीं ये बहुत अच्छी है, मुझे आपका घर तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा छुट्टी रुक साना? हाँ जी इसीलिए तो मैं काम नहीं छोड़ रही हूँ। ये मेरी बेटी के कमरे की सफाई हो रही है और मेरी बेटी नमाज पढ़कर सो जाती है। ये देखिए मैं अपने भी दो शूज लेके आई थी, इसकी वीडियो भी मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने किचन का कैबिनेट जो बर्तन वाला कैबिनेट है वो मैंने सारा साफ करना है, और इसको सेट करने के बाद फिर मैं आपको अपना पूरा किचन दिखाऊंगी। देखिए ये मंडी से सामान आया है, कितना सारा सामान आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसको जब मैंने समेटना है ना मुझे पूरा दिन लग जाना है। ये समेटती हूँ फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। और सिर्फ ये चकोतरे मेरे लिए होते हैं और मैं इनका जूस पीती हूँ, और कोई नहीं पीता ये जूस। चलिए इनको मैं समेटती हूँ।
फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, ये फिश है, ये काला रोहू है, इसमें मैंने अजवाइन और नमक लगा दिया है, और ये माशेर है, इस पर मैंने अजवाइन और नमक लगा दिया है। अब इसको धोते वक्त जब बाद में मसाला लगाऊंगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये देखें, ये मेरे अचार का मर्तबान है, और मैंने फल अच्छी तरह सेट कर दिए हैं। देखें यहाँ पर शलजम को मैंने छीकर इसको काट कर, तो मैंने ये थोड़े से पानी में उबलने के लिए रख दिया। जब ये उबल जाएगा इसको हल्का सा मैश करूँगी, फिर मैं इसको फ्रीज कर दूँगी। ये देखिए, मैंने शिमला मिर्च डिफरेंट शेप्स में काटनी है, मुझे जौन सी डिश बनानी होगी उसी हिसाब से मैं शिमला मिर्च निकालूंगी और डिश बना लूंगी। अब मैं इनको प्लास्टिक बैग में डाल देती हूँ। ये देखें, गाजरें हैं और ये माड़ू हैं, आई थिंक माड़ू कहते हैं, तो इनका भी मैं काट लूँगी और फिर मैं प्लास्टिक बैग में डालकर आपको ये सब चीज़ें दिखाती हूँ। ये मैंने मटर भी छील ली है। ये देखें, ये मेथी है, इसको भी मैं अच्छी तरह साफ कर धोकर काट कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, गाजर है, ये भी मैंने डिफरेंट शेप में काट ली है। यहाँ पर मैंने पुदीना भी तोड़ लिया, ये देखें, इसकी भी चटनी बनानी है मैंने। ये देखिए, मेरा बेटा स्कूल से आ गया और उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ। कौन कौन ऐसे रोटी सेकता है। ये देखिए, मैंने स्प्रिंग ऑनियन भी छील ली है, अब मैं इसको छोटा छोटा इसको चॉप करूँगी। ये देखिए, ये स्प्रिंग ऑनियन है, इसको मैं कट करती हूँ और उसके बाद प्लास्टिक बैग में डालकर फिर आपको दिखाती हूँ। देखें, ये साग है और ये पालक है, इसको भी मैंने अच्छी तरह साफ कर काटना है। देखें, यहाँ पर एक साइड पर मैंने साग पकने रखा हुआ है और एक साइड पर ये पालक है, और जो वेजिटेबल्स मैंने काट ली थी वो देखें, इस तरह मैं इनको बंद कर फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें, मैंने हरी मिर्च का भी चॉप कर ली है अच्छी तरह धोकर, फिर मैंने इसको चॉप कर लिया। अब मैं छोटे बॉक्स में ये हरी मिर्च डाल दूँगी। देखें, ये ग्रीन चटनी का सामान है, ये मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ, इसको भी मैं अच्छी तरह चॉप कर तो इसको भी मैं बॉक्स में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी। देखें, यहाँ पर चटनी भी रेडी हो गई है, अब मैं इसको बॉक्स में डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसमें चटनी डाल दी है। अब जब मुझे रायता बनाना होगा मैं यहाँ से थोड़ी सी निकालूंगी और रायता बना लूँगी। ये मेरे पास आइसक्रीम के बॉक्स वो मैंने यूज़ किए हैं, और एक ये है, ये देखें, ये इसको कहते हैं सिंघाड़ा, ये किस किस ने खाया किसने नहीं खाया, ये मैंने बॉयल किए हैं, ये मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें, ये 1 kg 1 kg लहसुन है, और इसको मैंने छीलना है, छील कर मैंने इसको चॉप करना है, और चॉप कर फिर मैंने इसको फ्रीज़र में रखना है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने लहसुन भी छील ली है, ये 1 kg लहसुन है, अब मैं इसको इसमें डालकर चॉप करूँगी। ये देखें, लहसुन को मैंने चॉप कर लिया, अब इसको मैं प्लास्टिक बैग में डालकर इसको भी मैं फ्रीज कर दूँगी। ये देखें, मैंने मछली को मसाला भी लगा लिया, मसाला लगाना मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। अब मैं इनको प्लास्टिक बैग में डाल के देखती हूँ, मुझे ज़रूरत होगी मैं उतने पैकेट बनाकर इनको एयर टाइट बॉक्स में डाल कर रख दूँगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी मैं निकाल कर इस्तेमाल कर लूँगी। ये देखें, जितनी फ़िश थी मैंने, जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतने पैकेट बनाकर, उतने उतने पीस का एक पैकेट बना कर मैंने रख दिया, और अब मैं इसको ऊपर से ढक्कन देकर इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। देखिए, मेरा साग भी कंप्लीट हो गया, ये भी पक चुका है साग, और इसका जो तड़का है वो भी पक चुका है। अब हो गई है मगरिब, और मैं अपनी वीडियो को यहीं पर करती हूँ क्लोज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।